हेलो, आज मैं आपको देने वाली एक ऐसी रेसिपी पंजाबी करेले विद गार्लिक फ्लेवर जो होने वाले हैं सबके फेवरेट। तो हम करेलों को एक्चुअली क्या होता है, हम भरवा करेले हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें बनाना बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसमें स्टफिंग भरो, फिर धागा लगाओ। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, ना धागा लगाएंगे ना स्टफिंग करेंगे, पर जो करेलों का फ्लेवर है वो एकदम भरवा करेले की तरह एकदम टेस्टी और लाजवाब आने वाला है। सबसे पहले सबको पता है कि करेले की स्किन उतार के अच्छे से वॉश करके काट के उसमें नमक लगा के अब 2-3 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। मतलब 2-3 घंटे के बाद हम इतनी देर धूप में रखना है कि इसका जो पानी है ना वो सारा का सारा सूख जाए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इसके बाद हम करेले बनाने करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक पैन में ले लेना है ज़्यादा ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे हम नॉर्मल सब्जी के कंपैरिजन में, क्योंकि करेलों में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। जब आपका ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तब आप उसमें डाल दीजिए सारे करेले। आप करेलों को मतलब सर्कल शेप में गोल काटना चाहते हैं वो भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ पे करेलों की लंबी लंबी स्लाइस काटी हैं। तो इसके बाद हमें करेलों को करना है अच्छे से फ्राई जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं करेले, उसमें मैंने 2 प्याजों को लंबा लंबा स्लाइस करके डाल दिया है। अब सिर्फ मैं इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी ताकि मतलब जो प्याज है उनका कच्चापन चला जाए। और उसके बाद हम तैयार करेंगे एक मसाला जो करेलों में देगा एक मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें ली हैं, जीरा लहसुन बहुत सारा लिया है, सूखा धनिया लिया है 2 बड़े चम्मच, और काली मिर्च में बस थोड़ी सी थी। अगर आपके पास मतलब पेपर कॉर्न साबत वाली हो तो आप वो ले लेना। और साथ में मैंने यहाँ पे 2 प्याज जो हैं उनको कद्दूकस कर लिया, और सारे मसाले को मैंने अच्छे से कोर्स पीस लिया, मतलब दरदरा पीसना है आपको, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो 4-5 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद हमने जो मसाला तैयार किया है दरदरा खड़े मसाले, इसमें ये और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देना। और अभी आपको देखने में लग रहा होगा अरे क्या बन रहा है, एकदम कच्चा कच्चा सा। यकीन मानना, जब मैंने पहली बार ये रेसिपी बनाई थी तो मुझे भी लग रहा था यार मेरे सारे करेले ख़राब हो गए, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी लग रही, मैं कैसे खाऊंगी। पर जैसे जैसे ये पकेगा आप देखना, इसमें इतना अच्छा कलर और इतना अच्छा फ्लेवर आ जाएगा ना, मतलब तो एक बार आप इस रेसिपी से बना के देखोगे ना तो मतलब मेरी तारीफ करने वाले हो, इतने टेस्टी करेले बनते हैं। तो बस अब हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे पकाना है सिम गैस पे, और बीच बीच में आपको हिलाते रहना है। और आपको इसके बाद इसमें 3-4 मिनट तक मतलब मसाले के साथ पकाने के बाद आपको अपने इसमें डालने हैं बेसिक मसाले जो भी आप यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ नमक, मिर्च, हल्दी डाला है मैंने, और सूखा धनिया नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी हमने साबुत धनिया इसमें डाल दिया। और साथ में हम इसमें खट्टेपन के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाले हैं मैंगो पाउडर, यानी कि आमचूर पाउडर। इससे करेलों में क्या होता है एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब सारे मसाले को हम करेलों को और मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और अब कम से कम इसे 15 से 20 मिनट मुझे लग जाते हैं। और जैसे जैसे ये पकेगा ना आप करेलों में मतलब एक अच्छा सा कलर और वो फ्लेवर और जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना, मतलब वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, इतनी टेस्टी। और इस तरह से बस, लेकिन बीच बीच में आपको हिलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें डाला है बहुत सारी क्वांटिटी में गार्लिक, उससे क्या होता है जो करेले हैं वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसे हिलाना होगा और साथ में ढक 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 के इसे पकाना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट करेले मेरे पक गए हैं, और अब करेलों का कलर देखो जब सारे मसाले उसमें अच्छे से पक गए हैं। तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा गार्निश कर दो आप हरे धनिए के साथ, थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक ग्रीन चिली भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, अच्छी लगती है। पर मेरे को बच्चों ने भी खाना है तो मैं ग्रीन चिली अवॉइड कर रही हूँ। अब मैं इसको कर लूँगी सर्व। तो आप इसको परांठा, रोटी, मतलब डिनर लंच में खाओ, दाल के साथ मज़ा ही आ जाता है। और ब्रेकफास्ट में परांठे के साथ करेले, मतलब आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करना। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।